So hey guys, welcome back to my channel Nandini Vlogs. So finally lockdown खुल चुका है और हम सब बोर हो चुके थे, पर अभी भी सेफ्टी ज़रूरी है. मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र लेना है और सोप से हाथ धोने हैं. ब्यूटीफुल प्लेस है जो मोस्टली अर्बन सिटीज़ पे हम नहीं देख पाते हैं उसको, और हम सोच रहे थे कि हम उधर जाए या नहीं जाए, पर क्योंकि मौसम एकदम गर्मी थी और कल बारिश हो गई तो, और आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, इसलिए हम जा रहे हैं. तो अब मैं आपको वहाँ पे मिलके अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ. अभी हमें 2 आवर्स लगेंगे डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी है और रोड्स भी बहुत अच्छी है. आप भी व्यू देखिए और एंजॉय कीजिए. Guys, finally we reach at our destination. This is a small village जो कि आम के बगीचे के लिए famous है. So now let's explore the आम का बगीचा. So जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ चारों तरफ आम ही आम है, एंड यहाँ पर मैंगो की कई वैरायटी होती है, जैसे कि लंगड़ा, चौसा एंड दशहरी, और सबका अलग अलग सीज़न है. अभी लंगड़ा आम तैयार हो चुका है. सो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ आम की पैकिंग कैसे होती है. सो फ्रेंड्स, हम लंगड़े आम के बगीचे में आ चुके हैं. ये देखिए यहाँ का व्यू. ये भैया बताएंगे अब. भैया कौन कौन से आम लगते हैं यहाँ पर? ये लंगड़े हैं. ये लंगड़ा है. कब बोते हो? ये जनवरी में इसका मोहल निकलता है. अच्छा, जनवरी में. जुलाई में ये पक्के तैयार हो जाता है. तैयार है अब. और ये बेचते कहाँ पर हो? आजादपुर, दिल्ली. भोपाल भी जाता है, दिल्ली भी जाता है. अच्छा, हाँ जी. और ये कौन सा है? ये भी लंगड़ा ही है. अच्छा, लंगड़ा ही है. तो लंगड़े में अलग अलग क्वालिटी है यहाँ पर कि एक ही टाइप का रहता है? एक ही टाइप का रहता है, एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है. अब इतने सारे आम देखकर रहा नहीं जा रहा, तो अब मैं भी मैंगो टेस्ट करती हूँ. Mangoes are very tasty, love it. अंकल इस एज में भी कितनी मेहनत कर रहे हैं. ये अभी धान लगा रहे हैं जो दिवाली के आसपास कटने के लिए तैयार हो जाएगा. जा रहे हैं गांव का शुद्ध खाना खाने. तो चलिए आपको दिखाते हैं कि गांव में खाना कैसे बनाया जाता है.
आंटी आप ये क्या बना रहे हो? ये ना इसे आटे में डालो। ये नमक है। ये नमक है। अच्छा। नमक आटे में डालो। अच्छा आंटी। हाथ से पीसते हैं इसे। अच्छा। हम हाथ से पीस हैं। अच्छा आंटी। हम जो मतलब ऐसा नमक आ गए हमारे मोट ऐसा मोटा वाला। अच्छा हम पिसा हुआ ना लेते हैं। अच्छा आंटी। हमारे लिए आंटी चूल्हे में रोटी बना रही है और मिट्टी के चूल्हे की रोटियां का स्वाद ही अलग होता है। इसे खा के तो मजा आने वाला है। अब खाना बन चुका है एंड इट्स लुकिंग यम्मी एंड डिलीशियस। सो लेट्स टेस्ट इट। It is yummy and delicious. Love it. So friends, अब हमारी जर्नी एंड हो रही है। अब हम वापस रिटर्न जा रहे हैं। आज का बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस था कि कैसे मैंने फर्स्ट टाइम मैंगोज के बाग में गई थी, कैसे खेती करते हैं और कैसे पीपल विलेज में रहते हैं और कैसे खाना बनाते हैं। बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहा था। आप भी कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय गाइस, स्टे होम स्टे सेफ।